आजकल बहुत फेमस चल रहे हैं, बार बार यूट्यूब चैनल ओपन करने से, YG स्टूडियो ओपन करने से आपकी व्यू बंद हो रहे हैं। भाई रियल है क्या? क्या YG स्टूडियो ओपन करने से हमारे व्यू बंद हो रहे हैं? लॉन्ग वीडियो पे हमारे और आपका व्यू नहीं आ रहे हैं, वो रियल में बंद हो रहे हैं क्या? आज मैं बताने जा रहा हूँ, ये पूरा वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। और आप हमारे तो देखोगे नहीं, बड़े बड़े यूट्यूबर को देखोगे, इसलिए बड़े यूट्यूबर क्या बोलते हैं यही आज मैं बताने जा रहा हूँ और लाइव दिखा भी रहा हूँ। मनोज देव, क्रिएटर सर्च, विजय रिया हो या यूट्यूब वाला बाबा हो जिसको आप टेक्निकल टेक सपोर्ट के नाम से जानते हो, वो क्या बोलते हैं पहले ये देख लीजिए। तो दोस्तों, अभी YouTube पे एक बहुत बड़ी सीक्रेट चीज के बारे में पता चला है जिससे कि आपका चैनल डेड हो रहा है और चैनल पे इसीलिए आपका व्यूज नहीं आ रहा। जी हाँ दोस्तों, ये अब तक किसी को नहीं पता था, अभी रिसेंट में कुछ दिनों से लोगों को पता चला कि ऐसा करने से भी आपका चैनल डेड होता है। वो रीजन क्या है पता है? YT स्टूडियो एप्लीकेशन का आप लोग दिन भर में कितना बार खोलते होंगे? 100 बार 200 बार, कोई कोई तो भाई 1000 बार खोलता है। क्यों? क्योंकि YouTube स्टूडियो एप्लीकेशन से हमारे YouTube का जितना भी एनालिटिक्स है वो हम देख पाते हैं, जैसे कितना व्यूज आ रहा है, कितना वॉच टाइम आया, सब्सक्राइबर्स, अर्निंग है ना, कौन सा वीडियो कैसा परफॉर्म कर रहा है, सब कुछ हमारे YouTube स्टूडियो एप्लीकेशन से ही पता चलता है। तो जितने भी यूट्यूबर है जो YouTube पे वीडियो बनाते हैं वो YouTube स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन करते ही हैं और बार बार चेक करते रहते हैं कि हमारा चैनल कैसा चल रहा है, हमारा वीडियो का परफॉर्मेंस कैसा है, हमारा अर्निंग कितना हो रहा है। तो बार बार YouTube स्टूडियो एप्लीकेशन ओपन करने से भी आपका चैनल डेड होता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, YouTube पे कुछ भी एक ट्रेंड को गजब का फैला दिया जाता है और वो एक ट्रेंड बन जाता है। अभी आप लोग अगर YouTube ओपन करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऐसे वीडियोज मिल जाएंगे, है ना। बड़े बड़े यूट्यूबर लोग भी इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं कि YouTube स्टूडियो एप्लीकेशन अगर आप ओपन करते हो, बार बार ओपन करते हो, तो आपका चैनल डेड हो रहा है जिसकी वजह से आपका व्यूज नहीं आएगा। अब मैं बता देता हूँ इस चीज पे कितनी सच्चाई है। और ये एक बात तो है, सच है, जो कि ये है कि अभी व्यूज सबका डाउन हो रहा है। तो इसका रीजन क्या है? क्या YouTube स्टूडियो एप्लीकेशन खोलने से हो रहा है? दोस्तों, अभी कमेंट सेक्शन में एक ही कमेंट मिलता है, क्या YT स्टूडियो बार बार खोलने से चैनल डेड हो जाता है? क्या चैनल हमारा फ्रीज हो जाता है? तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर बार बार YT स्टूडियो ऐप खोलते हो तो आपका भी चैनल डेड होने वाला है, सावधान हो जाओ। अब यहां पर देखो दोस्तों, पहले मैं आपको दिखाता हूं कि मैं अपना YT स्टूडियो ऐप को बार बार यहां पर खोलता हूं, जो कि देखो मेरा यहां पर चैनल डेड होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर सो एरो डाउन जा रहा है, ये एरो डाउन जा रहा है सब्सक्राइबर वाला भी, और यहाँ पर अर्निंग भी मेरा कम हो रहा है, और यहाँ पर सो मेरे वीडियोस पर व्यूज आना बंद हो गया, यहाँ पर सो 300 व्यूज में रुक रहा है। तो क्या ये प्रॉब्लम हो रहा है YT स्टूडियो बार बार खोलने से? और आपको भी यही लग रहा है कि YT स्टूडियो ऐप को बार बार अगर हम खोलेंगे तो हमारा चैनल डेड हो जाएगा? बिल्कुल दोस्तों, अभी बहुत सारा भी आप लोग देख रहे होंगे यूट्यूब में, खास करके टेक कैटेगरी में, कि बार बार YT स्टूडियो मतलब कि खोलने से क्या होता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर होता क्या है, होता क्या है। देखिए, हर एक का अपना अपना बताने का एक्सपीरियंस है, सबका अलग अलग मानना है, लेकिन हमको कुछ किसी से क्या मतलब है, कौन क्या बता रहा है, कौन क्या नहीं बता रहा है। और बहुत सारे ऐसे जो लोग से कुछ कुछ नेगेटिव वीडियो भी बनाते हैं। हम पहले विजय रिया ऑफिशियल चैनल पे, मैं दावा करता हूं, दावा, अगर एक भी वीडियो अगर फ्लॉप निकाल दे कोई भी बंदा कि विजय रिया ने ये सिखाया, विजय रिया ऑफिशियल ने ये सिखाया, मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा, दोनों चैनल छोड़ दूंगा, दावे के साथ कहता हूँ। कितना बार बोल चुका हूँ, अभी कह रहा हूँ, मेरी बातों को लोग समझते ही नहीं है। मैं सच कहता हूँ, सच मतलब कि मैं बोल रहा हूँ, मैं सच सिखा रहा हूँ, लेकिन लोगों को भेजा में घुसता नहीं है। मैं कितना बार बोल चुका हूँ कि सेटिंग नहीं होती। बार बार यूट्यूब स्टूडियो ओपन करने से आपका चैनल होता है डेड, ये गलती आप नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु मौर्य, आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब स्टूडियो के बारे में। जैसे कि आपको पता है, अगर आप YouTube पर काम कर रहे हैं तो YouTube स्टूडियो जो होता है ये YouTube की तरफ से आपको दिया जाता है। ये एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप अपनी वीडियोस, अपने परफॉर्मेंस, अपने सब्सक्राइबर्स, अपनी अर्निंग, अपना वॉच टाइम क्राइटेरिया, सारी सेटिंग्स, जो चीजें हैं, सारे फीचर्स आपको इस YouTube स्टूडियो के अंदर मिल जाते हैं। अब यहां पर इस वक्त पूरे YouTube पर जो इस टाइप के चैनल पे काम करते हैं वो सभी लोग अपने चैनल पर एक वीडियो बना रहे हैं कि YouTube स्टूडियो ओपन होने करने से, बार बार ओपन करने से आपका चैनल डेड होता है। अब ये कितना सच है, चलिए आपको दिखाते हैं। हाँ, मेरा चैनल डाउन हुआ है, वो कैसे हुआ वो चीजें मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं व्यूज की, फिर आगे कुछ आपको समझाते हैं, ठीक है। हम व्यूज पे जाते हैं और देख सकते हैं आप यहाँ पर जो हमारा व्यूज का ग्राफ है, देखिए पहले हमारे 9 लाख, 9 लाख आपने देखा, ये बड़े बड़े यूट्यूबर बोल रहे हैं
YT स्टूडियो ओपन करने से, बार बार ओपन करने से, दिन में 10 बार ओपन करने से आपका व्यू डाउन हो रहा है, इसमें कितना सच्चाई है ये पूरा वीडियो देखिए आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो चार वीडियो आपको मैंने दिखाया हूँ थोड़ा कटआउट, इसको पूरा वीडियो दिखाना तो संभव नहीं है, एक तो कॉपीराइट आ सकते हैं, दूसरी चीज़ें हैं उनको खराब लग सकते हैं, इसीलिए उनके वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके ये वीडियो पूरा देख लीजिए, उसके बाद उनके भी देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएंगे ये बड़े यूट्यूबर आपको क्या बोला है और क्या चीज़ नहीं करना है। आप एक चीज़ तो समझ जाइए, यूट्यूब जो चीज़ आपके लिए बनाया है क्या वो आपके लिए गलत चीज़ के लिए बनाएगा, जो आपके लिए अर्निंग के लिए है। आप एक चीज़ सीधा समझिए, आप YT स्टूडियो में क्या देखते हो, सबसे पहला चीज़ आप जो रखते हो वो एनालिसिस करने के लिए रखते हो, आपकी कौन सी वीडियो पे व्यू जा रहे हैं, कौन सी वीडियो व्यू नहीं आ रहे हैं। और हर यूट्यूबर बोल रहा है, अभी जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर भी बोल रहा है, जो बार बार ओपन करने से व्यू नहीं आ रहे हैं, भाई लॉन्ग वीडियो पे अभी के टाइम में मैं भी मानता हूँ और आप भी मानते हो व्यू नहीं आ रहे हैं, शॉर्ट वीडियो पे व्यू आ रहे हैं, लेकिन अभी शॉर्ट वीडियो पे भी रिच जो है ना डाउन हो रहे हैं सबका, हमारा ही नहीं आपका भी, और आप भी जानते हैं किस वजह से डाउन जा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं है। YT स्टूडियो बार बार ओपन करने से डाउन होते हैं। आप एक चीज़ बात बताइए, YT स्टूडियो आप क्यों यूज़ करते हैं, YT स्टूडियो आप इसलिए उपयोग करते हो या यूज करते हो, इसलिए क्योंकि आप उस पर एनालिसिस कर सकते हैं, आपकी कौन सी वीडियो चल रहे हैं, कौन सी नहीं चल रहे हैं, अभी आपको कौन से पे व्यू आ रहे हैं, कौन से पे व्यू नहीं आ रहे हैं, आपकी कितने 48 घंटे में व्यू आए हैं, कितने 60 मिनट में व्यू आए हैं, आपकी कौन सी टॉपिक अभी वीडियो पे व्यू आ रहे हैं, कौन सी वीडियो पे आना चाहिए, एनालिसिस इस तरीके से, और कितना आपकी अर्निंग हो रहा है, किस वीडियो पे कितना अर्निंग हो रहा है, और किसकी जो है ना टैग अभी रैंक कर रहा है, यही सब चेक करने के लिए ना। तो भाई उसमें व्यू डाउन जाने की और अप जाने की क्या मतलब है, आप एक चीज़ समझिए। बहुत सारे यूट्यूबर तो आज के टाइम में ये ट्रेंड हो गया है, इस पर वीडियो बनाइए आपके 1000 2000 5000 व्यू तो वैसे ही आ जाएंगे, बहुत का तो एक वीडियो से चैनल भी मोनिटाइज हो रहे हैं और अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी आ रहे हैं। आपको क्या लगता है ये बनवार सब सही बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है ये सही बोल रहे हैं और सही चीज़ आपको बता के गाइडलाइंस करके आपको बड़े यूट्यूबर बना देंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, बड़े यूट्यूबर आपको हमेशा सही चीज़ बताते हैं, खास के टेक की एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं बोलते हैं भाई बड़े यूट्यूबर अगर आप भी बन जाओगे तो क्या जो अभी के टाइम में बड़े यूट्यूबर हैं उसको देखोगे, अरे भाई दिमाग क्यों लगा रहे हो। आप ये चीज़ समझो, अगर आप बड़े यूट्यूबर हो जाएंगे, आप एक देखना बंद करोगे, आपके अड़ोस पड़ोस लाखों यूट्यूबर खड़े हो जाएंगे। ये चीज़ आप हमेशा ये क्यों नहीं देखते हैं, आप एक पॉजिटिव साइड क्यों नहीं देख रहे हैं, हमेशा निगेटिविटी सोचते हैं, जो भाई आप बड़े हो जाओगे तो आप उनका नहीं देखोगे, ये नहीं समझते हो, जो भाई आप बड़े होंगे तो आप क्यों देख के लाख यूट्यूबर खड़ा होंगे, आप पहले एक देखते थे बड़े यूट्यूबर को फिर लाख मेंबर और देखेंगे, तो वो चाहते हैं आप बड़े हो जाएं, ग्रो कर जाएं, क्योंकि आपको ग्रो करने में न्यू नाम बना है, उसकी पहले से नाम है, तो ये भी गलत फहमी मत रखिए। और जितने भी टेक कैटेगरी गए हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, जैसे ये हम वीडियो बनाए हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप भी सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि टेक इंडस्ट्री के हैं, अगर एक दूसरे का आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कहाँ से आप बढ़ पाओगे, व्यू कहाँ से लेके आ पाओगे, सब्सक्राइबर कहाँ से लेके आ पाओगे, ये चीज़ आपको समझना चाहिए। बड़ा यूट्यूबर बनने का मकसद हमें भी है, हमें भी मिलियन में व्यू आए, हमें भी सब्सक्राइबर आए, लेकिन ये जो अफवाह उड़ रहे हैं, देखिए एक चीज़ और भी याद रखिएगा, जो आपको अफवाह उड़ रहा है उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर होते हैं, लेकिन वो चीज़ हमको पता नहीं होता है, आपको नहीं पता होता है, ये भी चीज़ समझ लीजिए, क्योंकि जो कुछ रियल होते हैं उसी पे ज़्यादा बातें बनती है, ये भी हमेशा याद रखिएगा। तो कुछ तो पॉइंट हो सकते हैं, ऐसी नहीं है, मैं ये हमेशा डिनाई भी नहीं करूँगा और एक्सेप्ट भी नहीं करूँगा, आप बार बार यूट्यूब चैनल ओपन करते हो इसके चक्कर में आपके व्यू डाउन जा रहे हैं, आपकी इंप्रेशन डाउन जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं बोल सकता हूँ और इसको मैं गलत भी नहीं मान सकता हूँ, ये भी याद रखिए, क्योंकि हर अगर कोई चीज़ पे 50 मेंबर या 100 मेंबर बोल रहे हैं तो कुछ रीजन से ही बोल रहे होंगे, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो पे लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितने भी मेरा लॉन्ग वीडियो है वो जाके देखिए और सीखिए, इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबको देते रहता हूँ। और साथ में भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे जो गलत फहमियाँ हैं ना वो सबके अंदर से दूर हो जाए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।